गुड मॉर्निंग इंडिया। हेलो, हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल ऑन वाईफाई स्टडी यूपीएससी, वेयर चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग इज आवर मोटो। सो आज का लास्ट सेशन होगा ये अपना। अभी मॉर्निंग में अभी हमने जस्ट पॉलिटी का डेली पॉलिटी क्वेश्चंस किए थे, और एक इंपॉर्टेंट अभी पर्सनालिटी है, हिस्टोरिकल पर्सनालिटी है तानाजी, इनके ऊपर हम लोग बात करेंगे, चर्चा करेंगे। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए क्योंकि इसके ऊपर एक मूवी बनी है जो अभी रिलीज़ हुई है 10 जनवरी को 2020 में ही, और इसमें जो किरदार निभा रहे हैं जो तानाजी का, वो है अजय देवगन। और ये जो तानाजी हैं, जो हिस्टोरिकल पर्सनालिटी हैं, ये शिवाजी के कॉन्फिडेंट हैं, एक विश्वास पात्र हैं। ही वॉज अ मिलिट्री कमांडर ऑफ शिवाजी, और उन्होंने एक उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है एक जो है दुर्ग उसको जीतने के लिए। हालांकि वो जीत नहीं पाते, बाद में उनके ब्रदर के द्वारा उसको जीता जाता है। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, वो दुर्ग कौन सा है, वो पर्सनालिटी, ठीक है ना, जिन्होंने इसको जीता, उससे पहले उस किले का क्या नाम था, इन तमाम बातों के ऊपर वो चर्चा करेंगे जो हमारे एग्जामिनेशन के लिए महत्व रखता है। सो आ जाइए, तानाजी द अनसंग वॉरियर के बारे में हम लोग बात करना शुरू करते हैं, ठीक है। सो ये देखिए, ये मूवी है, ये जो अभी मूवी रिलीज़ हुई है तानाजी द अनसंग वॉरियर, ठीक है ना। इसमें जो फीचर कर रहे हैं वो है कौन, अजय देवगन साहब, ठीक है। और ये रिलीज हुई है 10 जनवरी को अजय देवगन, ये अनसंग वॉरियर। तो यहाँ जो ये तानाजी का इन्होंने किरदार निभाया है इस मूवी में, जस्ट अ सेकेंड, सो दिस इज द सीन ऑफ फ्रॉम तानाजी मूवी, ठीक है। तो ये है फोटो, इसको आप देख सकते हैं। अब आ जाइए, हम लोग चर्चा करें। यहाँ देखते हैं कि जो तानाजी हैं, जस्ट अ सेकेंड, तानाजी मालूसरे, ठीक है। ये जो मालूसरे हैं, ये इनका एक क्लैन है, ये इसी इस क्लैन से, इस वंश से ये बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। इट इज़ अ क्लैन, राइट, ये इनका क्लैन है, वंश है इनका। सो तानाजी मालूसरे वॉज अ मराठा मिलिट्री लीडर एंड अ क्लोज एसोसिएट ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज के ये क्या है, क्लोज एसोसिएट रहे हुए हैं, ठीक है। ही वॉज अ मिलिट्री लीडर, मिलिट्री कमांडर एंड अ क्लोज एसोसिएट ऑफ छत्रपति जी महाराज। इनका पूरा नाम है तानाजी मालूसरे, और मालूसरे इसलिए इनको बोला है क्योंकि इनके वंश का नाम है मालूसरे, ठीक है। एंड ही इज पॉपुलरली नोन फॉर अ बैटल दैट इज कॉल्ड सिंघागाद, ठीक है, सिंघागाद। और ये बैटल हुआ था 1670 में, इसको ध्यान में रखेंगे हम लोग, ठीक है। इस बैटल में जो सिंघागाद में ये जो तानाजी मालूसरे हैं वो किसके अगेंस्ट लड़ेंगे, तो एक राजपूत हैं जो कि सवाई राजा जय सिंह के कॉन्फिडेंट हैं, ये है उदय भान राठौर के अगेंस्ट में ये लड़ाई होगी, ठीक है। जो एक फॉर्मेडेबल राजपूत वॉरियर है, हु वॉज पुट इन चार्ज ऑफ फोर्ट कंधाना, ठीक है, इसको याद रखेंगे, ये कंधाना है। कंधाना जब ये मराठों के द्वारा वापस जीत लिया जाएगा तब इसका नाम सिंघागाद के रखा जाएगा, ठीक है। सो इट वॉज रीनेम्ड बाई मराठास सिंघागाड, ठीक है, बाई सवाई राजा जय सिंह, ठीक है, लाटर, ठीक है। तो ये जो है, ये उदय भान सिंह है, ये किसके द्वारा है, ये इनके हैं, ठीक है ना, कॉन्फिडेंट है सवाई राजा जय सिंह के। और ये लड़ाई होती है कहाँ पे, कंधाना फोर्ट में, जिसको बाद में मराठों ने के सिंघागाद के नाम से जाना जाता है, सिंघागाद के नाम से, राइट। नेक्स्ट आइए, ये हैं, आप ये इमेज देख सकते हैं, ये है रियल तानाजी, ठीक है, तानाजी का ये है, इसका एक स्कल्पचर बनाया जा रहा था। तो तानाजी मालूसरे की ये तस्वीर है, आप इनको इनसे अपने आप को इनको आप देख करके समझ सकते हैं, दिस वॉज तानाजी मालूसरे, ठीक है। तो ये इनका एक स्टैचू बनाया जा रहा है, तो वहाँ का ये पिक आप ले लिया गया है। अब ये देखते हैं, ये जो बैटल है, ये एक पेंटिंग रही हुई है, ये बैटल ऑफ सिंघागाड का 1670 का, जस्ट अ सेकेंड, राइट। सो इट इज़ द इमेज फ्रॉम देयर, ये शिवाजी हैं, शिवाजी या देखे हैं, जबकि ये बैटल जब जीत लिया गया है उसके बाद ये शिवाजी यहाँ आते हैं, तो उस समय का ये इमेज है ये आपके लिए, सो बैटल ग्राउंड का। अब देखते हैं क्या है कि ये जो बैटल हुआ है, ये प्रिटेक्स्ट में हुआ है किसके, ट्रीटी ऑफ पुरंदर। आप लोग इतनी हिस्ट्री में ट्रीटी ऑफ पुरंदर के बारे में जानते होंगे, ये ट्रीटी हुई थी, ये मराठों और मुगलों के बीच में हुई थी, और मुगलों की तरफ से यहाँ जो आए थे वो थे कोई सवाई राजा जय सिंह, और इस समय इस ट्रीटी को मुगलों की मराठों की तरफ से जिसने साइन किया था, दिस वॉज शिवाजी। सो इट वॉज इन द प्रिटेक्स्ट ऑफ 1665। इसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है ये, 1665 में पुरंदर की संधि होती है। इस संधि को भी आप अपने एग्जामिनेशन के लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण मान करके आप याद रखेंगे, ठीक है।
ठीक है, एंड इट वॉज साइंड बिटवीन शिवाजी एंड सवाई राजा जयसिंह के बीच में। अब होता क्या है कि इसमें जो शर्तें थी वो आप देखें, आपको पता होगा शायद कि ट्रीटी ऑफ पुरंदर में जो कंडीशंस थे वो मराठों के लिए अनफेवरेबल थे, उनके पक्ष में नहीं थे, बल्कि ये मुगलों के पक्ष में थे। शिवाजी जयसिंह वॉज अ ग्रेट डिप्लोमैट, ठीक है, और ही वॉज अ ग्रेट वॉरियर, मिलिट्री कमांडर भी थे। तो इन्होंने क्या किया था, मुगलों को, मराठों को इस बात के लिए फोर्स किया था कि वो क्या कर सकेंगे, एक ट्रीटी साइन कर लें, किसके साथ, मराठों के साथ, ठीक है। तो ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन हुई 1765, जिसके द्वारा मराठों ने मुगलों को बहुत सारी टेरिटरी दी, ठीक है, और उनमें से एक जो फोर्ट था वो देने की बात हुई थी, वो था कंधाना टू मुगल्स। सो इट वन ऑफ द डिमांड्स वॉज वॉट कि मराठा रूलर क्या करेंगे, गिव अप करेंगे, छोड़ देंगे कौन से फोर्ट को, कंधाना फोर्ट को टू द मुगल्स, ठीक है। और बाद में जब ये बात हो रही थी कि छोड़ देंगे, लेकिन बाद में होता क्या है कि उन्होंने छोड़ा नहीं था, मुगलों ने इसको कैप्चर कर लिया, ठीक है ना। और ये जो कैप्चर करने के बाद ये फोर्ट था वो गार्ड किया जा रहा था तीन कम्युनिटी के द्वारा, राजपूत के द्वारा, जिसमें उदयभान थे, पठान भी थे एंड अरब्स भी थे, ठीक है ना। और राजपूत में कौन थे, उदयभान सिंह, जिसको सवाई राजा जयसिंह को ये रिप्रेजेंट कर रहे थे, ठीक है। सो इट वॉज गार्डेड बाई, दिस फोर्ट वॉज गार्डेड बाई राजपूत, पठान एंड अरब ट्रूप्स, राइट। अब जब उनकी माता, जो शिवाजी की माता को पता चलता है, राजमाता जीजाबाई को, कि कंधाना का जो फोर्ट है वो मुगलों के अधीन चला गया, तो इस बात से वो बहुत नाराज होती हैं। इस बात की जानकारी जैसे मिलती है कि उनकी माता जी नाराज हैं, शिवाजी ने सोचा कि वापस जो कंधाना का फोर्ट है वापस लिया जाए, लेकिन उनको पता नहीं चला कि कैसे इसको वापस लिया जा सकता है। तो उन्होंने अपने जो सबसे कॉन्फिडेंट, जो उनके विश्वास पात्र कमांडर थे, जो मिलिट्री कमांडर थे, तानाजी, उनको ये जिम्मेदारी दी और उनको क्या कहा कि जाकर के कंधाना के फोर्ट को वापस रिकैप्चर करें आप, ठीक है। और इसी प्रोटेक्स्ट में ये आपका सिंगात का जो है फोर्ट का जो है वो लड़ाई होती है। तानाजी क्या करेंगे, फाउट करेंगे ब्रेवली, ठीक है ना, ब्रेवली वो फाउट करेंगे। और सरप्राइजिंगली उन्होंने क्या है कि चैलेंज कर दिया था मुगलों की अथॉरिटी को। क्लैश काफ़ी लंबा चला, लेकिन होता क्या है कि इस लड़ाई में कि वो मारे जाते हैं, लेकिन उन्होंने बहुत ही बहादुरी से लड़ाई लड़ा था। उनके शरीर पे काफ़ी घाव वाव भी आ गए थे तीरों से और अग्नि से। ही वॉन्टेड इन द फाइट एंड डाइड इवेंचुअली। जब इस बात से पूरी तरह दुखी होने के बाद, गुस्से क्रोधित होने के बाद, जब तानाजी का डेथ हो जाता है, तब मराठों ने क्या किया, इनकी जो है सो ये मृत्यु का बदला लेने के लिए और वापस कंधाना के फोर्ट को जीतने के लिए, होता क्या है कि जो तानाजी महाराज, तानाजी थे मालुसरे, उनके ब्रदर हैं जिनका नाम है सूर्या जी मालुसरे, इनका नाम क्या है, सूर्या जी मालुसरे, इनके नेतृत्व में फिर से एक मराठा आर्मी जाती है और इस बार ये इवेंचुअली क्या करेगी, ये मुगलों को पराजित करेगी और जो है ये जो कंधाना का फोर्ट था उसको वापस जीत लेगी। और इसको जीतने के बाद मराठों के द्वारा जब ये कंधाना का फोर्ट जीत लिया जाएगा, तब इसको रीनेम किया जाएगा सिंघा गाद के नाम से, लायंस फोर्ट। सिंघा मीन्स लायन, गाद मीन्स फोर्ट, ठीक है, लायंस फोर्ट के नाम से, लायन, जस्ट अ सेकेंड ब्रो, लायंस फोर्ट के नाम से, इसको व्हाट, सिंह लायन फोर्ट, ठीक है, के नाम से, बाय शिवाजी टू ऑनर तानाजी। यानी कि शिवाजी ने कंधाना के फोर्ट का नाम बदलकर क्या कर दिया था, सिंगागात किया था, लायंस फोर्ट, लायन के लिए, किसके लिए किया गया, तो तानाजी मालासुरे के लिए किया गया है, ठीक है। सो प्लीज इन सारे इन्फॉर्मेशन को आप जरूर ध्यान में रखेंगे। यहाँ से आपके लिए सवाल हो सकता है कि पूछा, ये छोटा सा इवेंट है, इट वॉज नॉट अ मच, मतलब ये बिग पर्सनैलिटी, आई मीन हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी जो हम लोग रेगुलर पढ़ाई में करते हैं, बट अगर मराठा इतिहास में देखें तो इनका नाम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये हमारे एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। सो आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड दिस। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस सेशन, ठीक है, विथ योर फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स एज वेल। थैंक यू वेरी मच, वंस अगेन हैप्पी मकर संक्रांति। Bye-bye. Till then, take care.